किसी शर्मा जी साथियों, मैं अपनी बात रखो उससे पहले दो चार तुशीले नारे लगाए इंकलाब जिंदाबाद, मेहनत कसका भाईचारा जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, निकम्मी सरकार मुर्दाबाद, मान दमोने मुर्दाबाद, भारत नगर की मुर्दाबाद, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें अध्यक्ष महोदय जी, संचालक महोदय, मंच पर मौजूद हमारे सभी वरिष्ठ कर्मचारी नेता और नेत्री, मेरे सामने बैठे हमारे सभी कर्मचारी साथी और मातृशक्ति, आज लगभग 65-66 दिन हो गए आपकी हड़ताल को चलते हुए, परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 2 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी सरकारें आज तक आपकी सुध लेने में नहीं जागी है। इससे बड़े और दुर्भाग्य की क्या बात होगी। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आजीविका की अपने बच्चों को पालने की लड़ाई लड़ रहे हैं, काम भी बड़ा अच्छा चल रहा था, एकाएक अफसर साई को लगाने में सरकार ने काम का ठेका दे दिया प्राइवेट फर्म को, और हमारे जो सारे साथी बैठे हुए हैं इनकी आजीविका पर संकट आ गया और मजबूरी बस हड़ताल में उतरना पड़ा। हड़ताल कोई शौक नहीं होती बल्कि मजबूरी होती है। इस मजबूरी में हड़ताल कर रहे हैं कि हमें दोबारा से नौकरियों पर लिया जाए। सरकार को कलाकार है, साथ ही साथ अफसर जो बैठे हैं ये भी कलाकार है। अब इनको समझ में पता नहीं क्या रहा, ठेकेदारों के द्वारा ही काम बेहतर होगा, काम को कर्मचारी ही करेंगे। 2 महीने से इस शहर की सफाई नहीं हो रही, किसी भी रोड पर जा रहे हो सारे के कूड़े के ढेर पड़े हैं, और अखबारों में रोजाना सफाई हो रही है, रोज अखबार में आया है आज इतनी टीम बना दी, आज इतनी टीम बना दी, इसमें जापान बना देंगे गुड़गांव में 2 दिन में। 2 महीने में हमने कहीं सफाई दिखाई नहीं, और अफसर रोज करते हैं सफाई। ये सफाई का काम जो है, ये जो हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं यही कर सकते, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। समाज में जो सबसे निचले का जो सतर पर काम करने वाला जो कर्मचारी है सफाई कर्मचारी है, सबसे ज्यादा जो मेहनत करने वाला है वो सफाई कर्मचारी है। तो मंच के माध्यम से हम सरकार को ये चेतना चाहते हैं कि समय रहते इन कर्मचारियों की मांग को मान लो, ये कोई नाजायज लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बड़ी इनकी जायज लड़ाई है, पेट की लड़ाई है। सबके बच्चे भी हैं, बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, वो अपनी आजीविका की ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इस ठेका प्रथा में कुछ नहीं निकलेगा। जिस तरह से पहले परिस्थितियां थी हमारे साथी काम करते थे, इनसे काम लिया जाओ और एजी पीजे और ताकि शहर की सफाई हो सके। यहाँ जो अफसर बैठे हैं ये भी सरकार को गुमराह कर रहे हैं, और सरकार तो है ही गुमराह। कर्मचारियों की जब बात आवे तो सरकार अपनी आंख बंद कर लेती है। पिछले 10-15 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं हमें कि प्रदेश में जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, और सरकार के कान में जू नीरे गिरी। अपना हाईकोर्ट है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट है, वो भी अब बार बार कह रहे हैं कि कोर्ट में बहुत सारे केस गए हुए हैं, लोगों ने पूरा जुलम लगा दिया इन महत्वों में काम करते हुए,
और बहुत सारे कच्चे कर्मचारी तो हमारे बीच में रहे भी नहीं, इन महकमों में काम करते हुए शहीद हो गए। हाई कोर्ट भी कह रहा है कि सरकार रेगुलर पॉलिसी बनाए, परंतु बात वही, अब हाई कोर्ट भी काम आना इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था समान काम के बदले समान वेतन देने का, आज तक हरियाणा सरकार ने तो समान काम समान वेतन की पॉलिसी को भी लागू नहीं कराया। तो तुम्हारा सरकार से अनुरोध करते हैं कि लाइन खींचने से काम नहीं चलेगा, सदा राजा राजा नहीं रहता। आज मान ले हमारे मुखिया ये सोचते हैं कि सदा के लिए रहेंगे, ऐसा नहीं है, प्रकृति में भी परिवर्तन होता है, हर जीव में परिवर्तन होता है, सदा राजा नहीं रहेगा। जब रह सकता लोगों की सुनेगा, लोगों की आजीविका की व्यवस्था करेगा। तो साथियों में कुछ ज्यादा नहीं कहते हुए दोबारा से दो नारों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, मेहनत कष्ट भाईचारा जिंदाबाद, हर जोर जुलम की टक्कर में।